आप? I'm good, आप कैसे हो? हाँ मैं भी अच्छी हूँ सर. एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फोन को थोड़ा हॉरिजॉन्टल करोगे तो. अभी ठीक है? यस 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 यस. ओके, तो मैं स्पेशली आपके इंटरव्यू के लिए आया हूँ. या आई नो दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. सो मैं लिटरली फंबल हो रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. आप हमारे आइडल रह चुके हो. हमारे जितने भी लोग हैं हमारे हमें यहाँ देख रहे हैं सब आपके बहुत बड़े फैन हैं. यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा क्विकली आपसे क्वेश्चन पूछूँ. यस. तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप जो है बिग बॉस के घर के अंदर जो एक हिस्ट्री में अगर मैं बोलूं तो सबसे डिग्निफाइड मैन है. जो एक आपको टाइटल मिला है वो आप हमेशा ही वो टाइटल मतलब पूरे बिग बॉस की हिस्ट्री में वैसा रहेगा. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आई थिंक उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कोई कि बहुत लोगों ने एक्चुअली बोला है कि इन ऑल द सीजंस जितने भी अभी तक आए हैं कि आई एम कि मैंने बहुत अच्छे से बहुत सूझबूझ से गेम को खेला है. सो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है और मैं अपने से भी वही उम्मीद करता था कि मैं ऐसा ही करूंगा और मैं अपनी उम्मीद पर भी खरा ही उतरा हूँ. सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो ये क्वेश्चन है कि क्या आप कल रुबीना के साथ डेट पे गए थे? ये कौन सवाल पूछ रहे हैं? ये सवाल एक्चुअली ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि कल रुबीना लाइव फीड से काफी देर तक गायब थी. जो 24 आवर्स लाइव चलते हैं एंड उसके बाद जब वो आए तो घर के अंदर घर वाले जो हैं वो बोल रहे थे कि वो प्यार का असर है, अभिनव के प्यार का असर है. तो सबने ये गेस किया कि आप डेट पे गए हो. तो क्या आप डेट पे गए थे? देखो मैं बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रहा हूँ और बहुत सारी मीटिंग्स कर रहा हूँ. सो मुझे नहीं आइडिया कौन ये सवाल कहाँ से आया. नो आइडिया. ओके. सो घर से बाहर निकलने के बाद आपने सबसे पहले क्या किया? घर आने के बाद कैसा फील हुआ आपको? सो घर से सबसे पहले निकलने के बाद आई वॉज मेरे को मुझे मैंने अंदर ही जब मैं बिग बॉस हाउस में था आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक थोड़ा पेड़ पौधे नेचर के पास रहकर आऊंगा एटलीस्ट कुछ घंटे. तो मैं दो दिन के लिए मेरा एक फ्रेंड है राजेश कह रहा उसके फार्म पे गया था एंड वहाँ पे जस्ट यू नो इन द लैप ऑफ नेचर थोड़ा रिलैक्स किया एंड देन आई केम बैक. बिग बॉस के घर की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी एंड सबसे वर्स्ट मेमोरी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? सो बिग बॉस घर की बहुत सारी मेमोरीज हैं जो अच्छी हैं एंड आई थिंक एक हमारा न्यू ईयर कैप्टेंसी टास्क हुआ था जिसमें सब नाच रहे थे एंड एक नया साल शुरू हुआ था. सो वो एक अच्छी मेमोरी थी एंड वर्स्ट मेमोरीज भी हैं कुछ लेकिन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम. ओके नो इश्यू. बुला दिया हम सबको. सो आप जैसे घर के बाहर निकले आपने देखा कि आपके 1.5 मिलियन स्टंट हो रहे हैं कि आपको घर के अंदर वापस ले जाने के लिए जो बहुत अनफेयर था. इवन रुबीना के 16 मिलियन स्टंट हुए जो अभी तक की हिस्ट्री में रिकॉर्ड है. एक सबको कैसा लगा वो सब सारी चीजें देख के? देखिए सबसे पहली बात तो हमने कोई पीआर या किसी तरह की एजेंसी को हायर नहीं किया था. सो वैसा होना एक यू नो एक संकेत था कि जो जेन्युइन ऑडियंस हैं फैंस हैं जो सपोर्टर्स हैं यू नो वो हमें लाइक कर रहे हैं वो रुबीना को पसंद कर रहे हैं. सो उससे एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है. हालांकि अभी रुबीना को नहीं पता क्योंकि वो तो अंदर है लेकिन हम सब जानते हैं कि यू नो दिस इज द सपोर्ट एंड लव ऑफ पीपल ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द पीपल हु फॉलो बिग बॉस ऑफ फ्रेंड्स ऑफ यू नो कलीग्स. सो मुझे तो आई एम तो वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर and myself कि you know इतना प्यार मिल रहा है लोगों से. So एक और क्वेश्चन आपका आपके लिए लोगों ने पूछा है कि फिनाले में यानी कि जब रुबीना ट्रॉफी लेके आएगी हम सबको पता है रुबीना जीतने वाली है अभी. So जब ट्रॉफी लेके आएगी तो आप क्या करने वाले हो? कौन सी सरप्राइज है जो आप प्लान कर रहे हो कुछ? देखिए ऐसा कुछ अभी है नहीं है और अगर होगा भी तो मैं आपको क्यों बताऊं भाई सरप्राइज कैसे रहा हो. नहीं बट रुबीना तो अभी घर पे है घर के अंदर है राइट. तो मेरे सरप्राइज होते हैं टॉप क्लासिफाइड किसी को नहीं पता होते. सो फिनाले में आप सब जा रहे हो रुबीना तो एक और फिनाले से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कि जैसा कि रुबीना ने भी कितनी बार बोला कि आपने उन्हें प्रपोज नहीं किया है तो क्या आप फिनाले में उनको प्रपोज करोगे?
ये भी अगर सरप्राइज है तो मैं आपको क्यों बताऊं? बिल्कुल सही बोला कि आप क्यों बताओगे, क्योंकि एक्चुअली आप यहाँ पे बोलोगे तो वो वायरल हो जाएगा और क्या, तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा डेफिनेटली। तो बाहर आगे का आपका क्या प्लान है इन फ्यूचर? आपको जो है कि लोग सीरियल्स में देखेंगे, मूवीज में देखेंगे, या फिर लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या आप लोग कोई डांस रियलिटी शो में साथ में आ सकते हो? मे बी, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है वो बहुत सारी वर्क कॉल्स हैं, बहुत काम की कॉल्स हैं, और यू नो हम एक्टर हैं, हम कलाकार हैं, हमारा काम ही एंटरटेन करना है। यू नो फिल्म्स हो या टेलीविजन हो या यू नो सीरीज हो, वेब सीरीज, इट डजंट मैटर, वी जस्ट हैव टू डू द राइट काइंड ऑफ वर्क एंड यस दैट्स आवर जॉब। तो जैसा कि मैंने जब आपके पेरेंट्स से भी बात की थी तो बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने बताया कि आप बचपन से ही एक साइंटिस्ट वाला एक माइंड था, वो था घर के अंदर भी हमने सुना है। लेकिन एक और चीज है कि घर के अंदर लोग आपको बोलते हैं कि आप बोरिंग हो, बोलते थे, बहुत सारे लोग बोलते थे एप्पल और संतरे खाते हो, लेकिन जब आप बाहर आए लोगों ने आपको एक अलग अलग नाम दिया, लाइक डिग्निफाइड मैन, डिग्निटी के साथ खेलने वाला बंदा, बहुत सारे नाम आपको अलग अलग मिले हैं, साइंटिस्ट नाम के नाम से आप फेमस हुए हो, कैसा लगा वो सारी चीजें देख के? देखिए वो तो एक बहुत मतलब एक क्योंकि क्योंकि मैं तो चलो बोलते हैं सेब संतरे खा के जो भी किया, उन्होंने तो अपनी पूरी जान लगा ली, तब भी जो लोग मुझे ताने मारते थे कि सेब संतरे खा के आगे बढ़ रहा है, वो खुद निकल गए, तो सयाना कौन हुआ? वही ना, जिसको उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वही सयाना हुआ ना, उसी की कॉमन सेंस हुई। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो अभी ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया है। सो ये 6 लोग, 8 लोग या 10 लोग घर के, उनका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता है। सो आपने जो हेयर स्टाइलिंग की, जो आपने बिग बॉस के घर में बहुत सारे लोगों की, फेमस हुआ था अर्शी खान का जो लास्ट आपने किया अर्शी खान के बालों के साथ, तो क्या आप पहले से ये सारी चीजें आपको आती थी या फिर बिग बॉस के घर में एक एक्सपेरिमेंट था जो आप सबके बालों के साथ कर रहे थे? नहीं, अब हेयर कट मैंने नहीं किए थे पहले, बट इतना पता था, मैंने एक्चुअली रुबीना का किया था लॉकडाउन में, बट वो बहुत ही छोटा सा एक यू नो फ्रिंज काटी थी, लेकिन मुझे जो बेसिक है उसका वो उसका आइडिया था, यू नो हेयर कटिंग हेयर इज प्योर कॉमन सेंस जो मैंने इस्तेमाल की। तो मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट था इलाज खान, तो उनके अच्छे काटे तो फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, तो फिर अली, राहुल, अर्शी, सारा, सब जान, सबका सबको हेयरकट मैंने लिया था। सो एक और मुझे क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड हो बिल्कुल तरह से, तो लोगों ने ये पूछा है कि क्या आप कोई कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हो हस्बैंड मटेरियल की, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो अपने अपने हस्बैंड को आपके उस कोचिंग क्लास में भेजे। नहीं नहीं भाई, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे और ये कोचिंग नहीं शुरू करना है, मेरे बस की बात नहीं है। बट या जो हमने जर्नी की है इस हाउस में, मैंने और रुबीना ने, आई एम श्योर उससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे, तो यू नो आपकी सपोर्ट भी एक किस्म से थी, आप हमें पसंद कर रहे थे तभी हम टिके रहे, सो यू नो हमने भी आपको इंस्पायर किया, तो यू नो वी आर हैप्पी दैट ऐसा है, बट कोचिंग क्लासेस नहीं 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 तो कोई टिप्स देना चाहोगे, आपकी कोई टिप्स ऐसी? टिप्स यही है कि कम्युनिकेशन इज द की, नेवर स्टॉप टॉकिंग, बातचीत होनी बहुत जरूरी है, जहां पर बातचीत खत्म वहां पे प्रॉब्लम शुरू। यस बिल्कुल सही बोला आपने। एंड आपने रॉज किला के एंथम सॉन्ग सुने जो रुबीना के लिए बनाए गए हैं स्पेशली, कैसा लगा आपको वो सॉन्ग सुनके? गुड, शी इज अ रॉकस्टार, उसको यू नो वेल डिजर्व्ड, उसने कमाया है वो अंदर रहकर, तो जब बाहर आएगी वो भी सुनेंगी। सो क्या आप राखी एंड जैस्मिन के साथ बाहर में कनेक्शन बनाना चाहोगे, मिलना चाहोगे कभी? नहीं। तो एक और क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछा है आपसे कि जैसे कि सारा गुरपाल हुई, निशांत हुए, नैना हुई, शार्दुल हुए, तो इनके साथ क्या बॉन्डिंग आगे देखने को मिलेगी हमें?
ऑफ कोर्स सर, नैना और शार्दुल तो दोस्त हैं ही, इनफैक्ट मिला भी हूँ मैं उनको बाहर आके, और निशांत से अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन करूंगा अभी एक्चुअली पिछले 5-6 दिन से देयर लॉट ऑफ इंटरव्यूज, लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, सो और घर के अंदर रह के बिग बॉस घर के अंदर आपकी इंटरेक्शन कम होती है लोगों से, लेकिन सडनली बाहर आने के बाद देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स, सो थोड़ी सी कंफ्यूजन है और यू नो यस दोस्तों से मिलेंगे, लेकिन पहले इंटरव्यूज एंड यू नो जो वर्क कॉल्स हैं वो अटेंड करनी जरूरी है। तो आप किसे टॉप 2 में देखना चाहते हो? मैं एक्चुअल में अब पहले मुझे जो लगता है और जो मैं चाहता हूं वो अलग अलग है। मुझे लगता है रुबीना एंड अली शायद टॉप 2 में हूं, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो मैं चाहता हूं रुबीना और निकी टॉप 2 में। यस एक्चुअली हम सब चाहते थे कि हम सब जो है वो आपको देखे टॉप 2 में, कि एक वाइफ ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो कि आप दोनों हो, बट वो काफी अनफेयर था, तो उस सवालों पे नहीं जाते क्योंकि हम सबको पता है वो बहुत अनफेयर था। तो मेरा ये क्वेश्चन पूछना है कि जहां पे हमने देखा कि बिग बॉस के घर में आप दोनों के साथ कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग लोगों ने बनाई और फिर तोड़ दी, फिर आप लोगों को सुनाया, लेकिन राहुल महाजन की जो बॉन्डिंग है वो आपके साथ एक बहुत यूनिक बॉन्डिंग बनी है और शायद वो काफी लंबे टाइम तक भी चले। तो क्या कहना आपको राहुल महाजन के बारे में? आई थिंक राहुल महाजन एक बहुत ही यू नो उनको बहुत तजुर्बा है लाइफ का, वो कैसा भी एक्सपीरियंस हो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और अभी जो उनका एक नया रूप है ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी पिछले कुछ 1-2 सालों से, और उनके जो विचार हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर की, और इनफैक्ट जो बिग बॉस की गेम को लेकर थी वो बहुत अच्छी और सटीक थी, और सबसे अच्छी बात थी उसको सुनाने का अंदाज बहुत ही यू नो बहुत ही लाइट था, बहुत ही लाइट हार्टेड था। सो जैसी वो आए मुझे तो मतलब यू नो आई फाउंड हिम लाइक द बेस्ट बडी, एंड आई थिंक दोस्ती हमारी बहुत लंबी चलेगी बिकॉज ही इज अ नाइस मैन। तो मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि लॉट्स ऑफ लोग जो जितने लोग हैं सोशल मीडिया पे एक फॉल्स नैरेटिव, अगर मैं बोलूं बिग बॉस के लैंग्वेज में, तो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोगों ने पीआर हायर किए हैं एंड बहुत सारी चीजें लोग फैला रहे हैं, सो क्या आप उस बारे में कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, वो नैरेटिव कैसे बनेगा, जब हायर ही नहीं किया तो फॉल्स नैरेटिव कैसे बनेगा? बट लोगों ने एक्चुअली इस चीज का बहुत बनाया कि आप लोगों ने जो है वो गलत बोला है, आप लोगों ने एक्चुअली हायर किया। इवन राहुल महाजन का एक ट्वीट आया था कि आपको पीआर की जरूरत नहीं है जब आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो वही बोल रहा था कि जरूरत क्या है इनको, जब मैं हूँ तो इनको पीआर की क्या जरूरत है, तो वो वही बोल रहे हैं वो। हाँ, तो एक्चुअली लोगों ने उसको बहुत मिसलीड किया, बहुत उस ट्वीट को बहुत मिसलीड किया, सो दैट्स व्हाई आई आस्क कि आपको इस तरह। आई थिंक वो जो कुछ विरोधी होंगे उनके फैन या वो भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो, लेकिन यू नो इट्स ओके, सबको बोलने का हक है, आप किसी को ये तो बोल नहीं सकते मत बोल, तो जिसको जो बोलना है भाई जब तक अच्छे तमीज से बोल रहे बोलो यार, क्या प्रॉब्लम है। सो आपको रुबीना को लोगों ने रिक्वेस्ट किया आपसे एंड रुबीना से कि जैसे कि आप सोशल मीडिया पे बहुत कम एक्टिव रहते थे पहले। हाँ, मैंने वही चीज अपनी ठीक की है, सो दैट्स व्हाई मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। एंड यस लास्ट क्वेश्चन, अगर आप रुबीना को अगर वोट के लिए अपील करना चाहो रुबीना के लिए, तो मैं सबसे कहूंगा जिसने भी मुझे देखा है मुझे सुना है मेरे सब फैन से, प्लीज वोट फॉर रुबीना यही हफ्ता है, उसके बाद मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन इस हफ्ते आपको रुबीना को वोट करना है, प्लीज प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या श्योर, थैंक यू सो मच अभिनव सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, आपने इतना टाइम दिया वो भी हमारे लिए बहुत है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।